थाने सरकार न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उल्लासनगर महानगर पालिका में आज पेन डाउन रहा। सभी महानगर पालिका के कर्मचारी आज अपना पेन डाउन करके बैठे रहे और वह कोई भी आज काम नहीं कर रहा। हमने सीएमसी से लेकर टैक्स डिपार्टमेंट तक सभी डिपार्टमेंट के हम वहां पर पहुंचे, मगर सभी वहां पर जो काम करने वाले कर्मचारी थे, कोई भी वहां पर काम करने वाला कर्मचारी हमें नहीं नजर आ रहा था। आइए पहले नजर मारते हैं सभी डिपार्टमेंट की, जहां पर पेन डाउन करके वहां पर सभी कर्मचारी वहां पर बैठे हुए थे और कोई भी कर्मचारी वहां पर काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आप इस समय देख रहे हैं कि सभी कर्मचारियों को यूनियन के तरफ से निर्देश दिया गया है, कोई भी कर्मचारी महानगर पालिका में आज काम नहीं करेगा। पेन डाउन करके उन्हें केवल वहां पर बैठना है। जो गणेश सिप्पी के साथ हादसा हुआ, इसके लिए यूनियन के तरफ से आज पेन डाउन करने का कार्य किया गया। उसके बाद हमने इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर किस बात की वजह से यह पेन डाउन हुआ है, कौन सी बात की वजह से ये बखेरा खड़ा हुआ है। हम उस बात की तह पर जाने के लिए हमें ये जानकारी मिली कि मंगलवार के दिन शाम को महानगर पालिका के पहले माले पर एक मनसे पार्टी के योगीराज देशमुख, उनकी बातों में हमारे उल्लासनगर शहर के महानगर पालिका के सह आयुक्त गणेश सिप्पी के साथ मुंह मारी हो गई और बात इतनी भर गई तब बात गाली गलौज तक पहुंच गई। तमाम वहां पर सिक्योरिटी अधिकारी आए और बीच बचाव करके उन दोनों को साइड कर दिया। दोनों में काफी कहासुनी हुई और बात गाली गलौज तक पहुंच गई। उसके बाद मानपा के सह आयुक्त गणेश सिप्पी वहां से सेंट्रल पुलिस चौकी पहुंचे और योगीराज ने मानपा के कामों में दखलअंदाजी देने के लिए और सह आयुक्त को गाली गलौज देने के विषय पर उनके ऊपर केस दर्ज करवाया। उसके बाद हमने पैसा खाता भिकार पगारले माझा जवान गरिबाची घर तोडता कंप्लेंट की है, अब तक उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, यही सवाल हमने गणेश सिप्पी से पूछा। गणेश सिप्पी से हमने यह पूछा कि योगीराज ने जो कंप्लेंट की थी, आपने उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया। तो गणेश सिप्पी ने हमें बताया कि महेश जी, वो राणा खदान पे जो गाले बने हुए हैं वो अभी के नहीं बने हुए हैं और वह टी गटर के गाले नहीं है, वह गाले पत्रे के है। उस गाले को बनाते हुए कम से कम आज 3 साल बीत चुका है और उसके बाद इतने टाइम के बाद योगीराज अगर वहां की कंप्लेंट करता है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो महानगर पालिका के गणेश सिप्पी के इस जवाब के बाद, जब गणेश सिप्पी ने आचार संहिता में किया हुआ काम शहर में तोड़ने के लिए पिछले 3 दिन से कार्रवाई कर रहे थे, तभी गणेश सिप्पी ने योगीराज देशमुख, जो मनसे पार्टी के प्रभाग के वहां के अध्यक्ष है, वहां के परिसर में जो आचार संहिता में जो काम किया हुआ था उन कामों को तोड़ने वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद मनसे पार्टी के पदाधिकारी बंधु देशमुख से हमने मुलाकात की, हमने उनसे पूछा इस मामले के बारे में और हमने उनसे ये पूछा कि ये क्या सही है कि किसी पार्टी का पदाधिकारी महानगर पालिका के सह आयुक्त को अगर गाली गलौज देता है उनसे मामला बनता है या बिगड़ता है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं बंधु देशमुख इन सारी बातों के ऊपर, उनका क्या विचार है। आइए बात करते हैं बंधु देशमुख से।
उल्लासनगर शहर में इलेक्शन पीरियड में इतने RCC बांधकाम हुए हैं, अनलीगल TG हुए हैं, तुम बड़े बड़े लोगों का काम छोड़ के कुछ कार्रवाई दिखाने का है, इसके लिए गरीब लोगों के काम के ऊपर अगर कार्रवाई करोगे तो मन से इसका विरोध करेगी। तुम पहले बड़े लोग का काम तोड़ो, बाद में छोटे लोग को हाथ लगाओ, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम कोई भी अनलीगल कंस्ट्रक्शन के फेवर में नहीं है, ना ही हम किसी गाली गलौज के फेवर में है, लेकिन अगर तुम अमीरों को सपोर्ट करोगे और गरीबों का हाथ उठाओगे तो मन से वो हाथ जगह पे नहीं रखेगी। बंधु देशमुख जी, आप ये बताइए कि आपने अपने ओर से या आपके पार्टी की ओर से शहर में हो रहे TG या RCC जो भरे लोगों का काम है उनके बारे में आपने कभी शिकायत दर्ज करवाई है? मेरे को एक बात बताओ, कॉरपोरेशन के प्रशासन काय के लिए कोई शिकायत दर्ज करेगा उसके बाद में प्रशासन कार्रवाई करेगा, ऐसा रूल है क्या? फिर ये लोग पगार किस चीज़ का लेते हैं? इनको सबको दिखाई दे रहा है कहाँ काम पे चालू है, किसके नगर सेवक का चालू है, नगर सेवक के किस बंदे का काम का चालू है, पूरी हिस्ट्री इनके पास है, उसके बाद में भी इनका काम है कार्रवाई करना। फिर ये ऐसा चाहते हैं कि हम कंप्लेंट करें, फिर ये कार्रवाई करें, फिर ये जाके उनको बताए इसका कंप्लेंट है, उसका कंप्लेंट है, ये ब्लैकमेलिंग करे, ये धंधा खोल के रखा है इन्होंने। बंधु देशमुख जी, आप अपने जगह पर राइट हो, मेरा केवल यही सवाल है आपसे कि जिस तरीके से किसी अधिकारी को गाली गलौज देने से उनसे शहर का मामला सुलझता नहीं है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये मनसे स्टाइल का जो तरीका था उससे आगे चलकर कुछ नया हो सकता है? देखिए, गाली गलौज का मैं समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन कल का जो फुटेज दिखाई दे रहा है वो फुटेज उस वक्त का है जब आवाज़ बढ़ी, जब बवाल हो गया उसके बाद में लोग जमा हो गया और वो वीडियो निकाला गया है, उसके पहले का फुटेज नहीं है। उसके पहले क्या होगा वो वहाँ पे आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था, लेकिन कोई भी आदमी गाली देने से पहले मैं और आपको गाली देना शुरू, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, दोनों की कुछ ना कुछ गलती होगी, इसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अगर कोई इसके आगे मेरे कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता के ऊपर अटैक करेगा तो मैं उसका मनसे स्टाइल से जवाब दूंगा। महानगर पालिका में जो महानगर पालिका के कर्मचारियों की जो यूनियन है उसमें मनसे भी शामिल है, और मनसे भी आज यूनियन के तरफ से सभी पदाधिकारियों को पेन डाउन के लिए कहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, कर्मचारी है, उनकी यूनियन है, हमारी भी यूनियन है, एक आधे कर्मचारी के ऊपर अगर अटैक होता है या कुछ गलत होता है तो उनका फ़र्ज है वो बंद करना, वो लोग उनके जगह पे सही थे, उनको उनका काम करना है तो हमको हमारा काम करेंगे, उनके काम में दखल अंदाजी करना हमारा काम नहीं है, वो उनके जगह पर राइट है, मैं मेरे जगह पर राइट हूँ, इसके आगे का फॉलो भी वो लेने की कोशिश हम लोग करेगा अभी। ये थे हमारे मनसे पार्टी के पदाधिकारी बंधु देशमुख जी, उन्होंने बताया कि ये जो वाक्य हुआ है, जो पदाधिकारी को जो गाली गलौज की बात हुई है उसमें प्रमुख तौर विषय यही है कि शहर के जो बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े काम चालू है उनको तोड़ा नहीं जा रहा है, गरीब लोग के आशियाने तोड़े जा रहे हैं। इनका कहना है अगर आप कार्रवाई करते हो तो सभी जगह एक ही नज़र से कार्रवाई कीजिए, पक्षपात की राजनीति यहाँ पर नहीं करो। धन्यवाद। थाने सरकार न्यूज़, महेश मूलचंदानी।